ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आपने हिमाचली बोनोफाइड यानी कि हिमाचली प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं, तो इसी के बारे में आई वीडियो रहने वाली है। तो इसका पूरा का पूरा आपको विद द डेमो प्रूफ बताएंगे किस तरह आपने ऑनलाइन जो है हिमाचल ऑनलाइन सेवा के द्वारा हिमाचली प्रमाण पत्र बनाना है। तो सबसे पहले आपको सिटीजन लॉगिन पे, इसके बाद अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे आप एंटर करेंगे और उसके बाद कैप्चा कोड डाल के जो है सबमिट पे क्लिक करेंगे। हिमाचली बोनाफाइड बनाने से पहले आपको जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट रहते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो सबसे पहले रेजिडेंस प्रूफ रहेगा और आपका लेटर ऑफ प्रधान या लोकल बॉडी हेड का सर्टिफिकेट रहेगा जो कि स्थायी प्रमाण पत्र रहेगा और आइडेंटिटी प्रूफ रहेगा। ये तीन डॉक्यूमेंट जो है आपने सपोर्टेड डॉक्यूमेंट लगाने हैं इसको अप्लाई करने के लिए। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाता है आपको चूज़ ऑप्शन कि आप कब से हिमाचल में रह रहे हैं। अगर आप परमानेंट है, आपका बर्थ हिमाचल प्रदेश में ही हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ही रहने दें। अगर आप 20 साल तक के बाद आपको 20 साल रहते हुए हो गए तो यहाँ पे रेजिडेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश 20 साल मोर देने वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे हिमाचल में आउट स्टेट से रह रहे हैं और यहाँ पे अपना अकाउंट है, हर एक चीज़ है और आपका कारोबार है, तो आप नीचे वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। आगे रहता है आपका एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल में, यहाँ से आप अपना टाइटल चूज़ करेंगे, फर्स्ट नेम यहाँ पे एंटर करेंगे, मिडिल नेम है तो यहाँ पे, अगर नहीं है तो यहाँ पे, लास्ट नेम है तो डालना है। और उसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ मेंशन करेंगे, मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे आप कंपलसरी है उसको आपने एंटर करना होगा। इसके बाद ईमेल आईडी है या नहीं है तो खाली छोड़ दें। यहाँ से ऑनलाइन ही ऑप्शन चूज़ करना है, आधार नंबर कंपलसरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट इमेज आ जाती है, आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा। अगर आपके पास परिवार नकल नहीं है तो यहाँ पे परिवार सर्च करके जो है अपनी परिवार नकल भी अटैच कर सकते हैं। तो इसमें तीन प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं, बाय नेम के थ्रू भी कर सकते हैं, बाय आधार कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं और बाय फैमिली नेम के नंबर के थ्रू भी आप जो है परिवार नकल निकाल सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद जो है यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करेंगे और इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अगला जो ऑप्शन रहता है फादर मदर और हस्बैंड डिटेल, यहाँ पे रिलेशन विद आप जो है किसके फादर है, मदर है, सन ऑफ है या फिर डॉटर ऑफ है, वाइफ ऑफ है, तो यहाँ से वो जो है कैटेगरी चूज करेंगे। अगर मैरिड लेडीज़ है जो हस्बैंड के नाम से बनाना चाहती हैं तो वो यहाँ पर वाइफ ऑफ करके करना पड़ेगा और यहाँ पे अपना हस्बैंड का नाम लिखेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अगर नहीं है तो सिंपल फर्स्ट नेम भी लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे अपने हस्बैंड के फादर का नेम आएगा। अगर आप डॉटर ऑफ या फिर सन ऑफ करके करते हैं तो यहाँ पे आपके फादर का नाम आएगा और यहाँ पे आपके दादाजी का नाम मेंशन करना होगा। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। इसके बाद रहेगा आपका एड्रेस जो कि आपको परमानेंट एड्रेस रहेगा, यहाँ पे आपने स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तहसील सेलेक्ट करेंगे, पटवार सर्कल जो है आपका माहौल यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आपके विलेज का नाम नहीं आता है तो यहाँ पे आप लिख कर भी अपने विलेज का नाम एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपने सेव पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद रहता है डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको रेजिडेंस प्रूफ अपलोड करना होगा जो कि आपकी परिवार नकल रहेगी, प्रधान के द्वारा जारी किया गया आपका जो स्थायी प्रमाण पत्र, आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आधार कार्ड और अदर डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है, इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे टिक पे क्लिक करना और सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आपकी तहसील में जाएगा और तहसील से फिर आपके पटवार सर्कल में जहाँ पे आपका पटवार बैठेगा वहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। जैसे पटवारी आपको वेरिफिकेशन करेगा, दोबारा से तहसील आएगा, तहसील में अप्रूव होने के बाद जो है आपकी जो आईडी से, जिस आईडी से आपने क्रिएट किया है वहाँ पे आपको जो है शो हो जाएगा। अगर कुछ ऑब्जेक्शन लगता है तब भी वहाँ पे करेक्शन के लिए आएगा कि इस चीज़ के लिए डिमांड की गई है, तो वो आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है हिमाचली बोनाफाइड जो प्रमाण पत्र बनता है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अपने पास जो है इसका पीडीएफ सेव करेंगे, क्योंकि हिमाचली लाइफ टाइम के लिए बनता है। तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होएं, क्योंकि पहले का
जिन्होंने हिमाचली बोनाफाइड बनाए हैं वहाँ पे तो लिखा होता है 20 ईयर, तो कई ऐसा समझते हैं कि ये 20 साल के लिए बनाना, कि वो 20 साल पहले के अगर आप रह रहे हैं तो आप हिमाचली बोनाफाइड बना सकते हैं।